छत्तीसगढ़ पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप के साथ गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के सरगना गंगू यादव को भी पुलिस ने सीखचों के पीछे पहुंचा दिया है। राजनांदगांव पुलिस की साइबर सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उड़ीसा और जबलपुर के भी सरगना को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजा की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों से कुल 65 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। एडिशनल SP राहुल देव शर्मा ने बताया कि एक मालवाहक की तलाशी लेने पर मालवाहक के ट्रॉली में एक गोपनीय चैम्बर मिला, जिसे गैस कटर से अलग अलग किया गया। चैम्बर में अलग अलग पैकेट में कुल 65 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इसके बाद बेमित्रा के तस्कर धनराज पटेल और उड़ीसा कलहांडी के तस्कर बेदा वेरा को गिरफ्तार किया गया। इनकी तस्दीक पर गांजा उपलब्ध कराने वाले आरोपी अनिल सोनी, जबलपुर में गांजे की खेप मंगवाने वाले आकाश यादव उर्फ गंगू को भी हिरासत में ले लिया गया। उड़ीसा से एक टाटा डी आई गाड़ी में गांजा जिले से पार हो रहा है। तत्काल साइबर सेल और घुमका थाना को घेराबंदी करने बोला गया। तत्काल उन्होंने घेराबंदी करके टाटा डी आई को रुकवाया और प्रथम दृष्टिया उन्होंने छुपा के एक चेंबर नुमा उसमें चेंबर बना लिया था गाड़ी में। चेंबर के नीचे गांजा छुपा के रखे थे। JCB से चेंबर को निकाला गया तो उसमें गांजा प्राप्त हुआ। लगभग 65 किलो 565 ग्राम गांजा था इसमें। और इसमें 2 आरोपी मौके पर गिरफ्तार हुए, जिनका नाम था धनराज पटेल और बेदा बिरो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।